अब आपको गुर्दे में और पित्त में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की जरूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी। आज की खबर है तेलंगाना की एक ऐसी खातून को लेकर जो मसीहा बनकर आवाम के लिए खड़ी हो रही है। खबर है रजिया बेगम को लेकर जो कि गवर्नमेंट टीचर है, और बड़े ही फख्र से हम ये कहेंगे कि ये तेलंगाना की ऐसी खातून है जिन्होंने कई बीमारों की मदद की, कई मुर्दों को गुसुल दिलाया तो कई बेसहारों का सहारा बनी। भोदन की रहने वाली रजिया बेगम जो गवर्नमेंट टीचर है और वो सोशल वर्क भी करती है। ऐसे बहुत सारे खानदान हैं जो मुस्लिम और नॉन मुस्लिम हैं, कैंसर पेशेंट जो क्रिटिकल हालत में रहने वाले पेशेंट्स को हैदराबाद ले जाकर वहाँ इनका इलाज करवाती है, और जो मर भी जाते हैं उन्हें गुसूल भी देती है। इन्होंने ऐसे कई सारे पेशेंट्स की मदद की जो गरीब थे, जिनके पास अपने इलाज के पैसे भी नहीं थे, और यही नहीं, और ये तक नहीं देखती कि कौन मुस्लिम है या कौन हिंदू है। ये धर्म मज़हब सभी को पीछे छोड़कर, सभी को एक नज़र से देखकर आगे बढ़कर सबकी मदद करती है। आज मिलिए उन लोगों से जिन लोगों ने रजिया बेगम के ज़रिए मदद हासिल की और आज सभी के सामने सही सलामत खड़े हैं। हेल्थी तंदुरुस्ती अता करे तुम्हारी दुआ से। सलामुअलैकुम। हम गरीब थे, हम प्राइवेट में गए तो हमारे अम्मी को कितने में कंकर आया, 2 लाख खर्चा आता। बोले हम बहुत गरीब है, हमारे को कौन सहारा नहीं है, तो रजियाबाद ले जाके दवाखाने में शरीक करे। उसमें अन्य दवाखाने में हैदराबाद ले गए हम चारों बहना, हमारे आगे पीछे कोई भी नहीं थे, इसलिए हम गरीब है बोल के हमारे 2 लाख पूछे तो हमारे अम्मी को कितने में कंकर आया बोल के ऑपरेशन कराए, और शेखर नगर रेलवे स्टेशन में रहते। बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रतीफ अहमद है, मैं रतापुर का रहने वाला हूँ, और मेरी बीवी की तबीयत बहुत ख़राब थी, अनाज की अंतरी बंद हो गई थी, उनकी सेहत दिन ब दिन बिगड़ते जा रही थी। ऐसे बहुत दवाखाने बताया, बहुत पैसे डाल दिया, इलाज नहीं हुआ, यहाँ तक कि मेरा जाति घर खुद भेज दिया, फिर भी इलाज नहीं हुआ। फिर रजियाबाजी के जरिया लेके, उनकी मदद लेके, उनको लेके 1 महीना भर लेके दवाखाने में मैं इलाज कराया हमारी बीवी का गांधी हॉस्पिटल में। अल्हम्दुलिल्लाह अब उन्हें सेहत मैंने तंदुरुस्त है, उनको हर चीज़ पचरी, सब अच्छा है। जाती घर भी था, मैं भेज दिया, उनका बच्चा भी बहुत साथ दिया, फिर उन्हें भी बहुत हेल्प करे, 1 महीना रहे साथ, रह के इलाज कर लेके हम आ गए, अब अच्छा रहे अल्हम्दुलिल्लाह, अब उनको कोई परेशानी नहीं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जबीन है, ये मेरे हस्बैंड है। मेरे हस्बैंड को 2009 में कैंसर हुआ था, हम लोग बहुत परेशान थे, रजियाबाजी आकर हैदराबाद लेके जाके इंडो अमेरिका में इलाज कराए, जैसी हालत थी वो जब हमारी, मैं प्रेग्नेंट थी, मेरे बच्चे 2-3 साल के थे, माशाल्लाह अब मेरे बच्चे 15-16 साल के हैं, अब इनका इलाज पूरा मुकम्मिल हुआ, 2 साल रजियाबाजी लेके फिर के इलाज कराए, और मैं रजियाबाजी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, जजाकल्ला। मेरा नाम रजिया बेगम है, मैं सालमपाड़ स्कूल में तदरीस का काम अंजाम देती हूँ। इसके साथ साथ मैं सामाजिक जितने भी मसाइल हैं लोगों के, उनको हल करने के लिए कोशिश करती रहती हूँ, और जितने भी बोधन और निज़ामबाद से जो पेशेंट्स रेफ़र किए जाते हैं, उन गरीब यतीम यसीर बेसहारा लोग जिनके पास अपनी मईशत से कमज़ोर लोग जो पैसे खर्च नहीं कर सकते, वो लोगों को हैदराबाद कॉरपोरेट हॉस्पिटल, इंडो अमेरिकन, गांधी, उस्मानिया, ऐसे बड़े हॉस्पिटल्स लेके जाके ऑपरेशंस करके लेके आती हूँ। जैसा कि किडनी फेल्योर हो, या पैंक्रियास में स्टोन्स हो, या लिम्फोमा टाइप ऑफ कैंसर हो, ऐसे लोगों को हैदराबाद से इलाज करके, ऑपरेशंस करके, जिसके लिए बड़ी रकम की ज़रूरत होती हो, 3 लाख 2 लाख 4 लाख, ऐसे ऐसे लोगों को वहाँ से ट्रीटमेंट करके लेके आती हूँ। तब वो जब दूसरी मरतबा ज़िंदा रहते हैं तो उन लोगों को देख के बहुत खुशी महसूस होती है, उनकी खुशी में मेरी खुशी महसूस होती है। अल्लाह ताला ने मुझे सेहत के साथ नवाजा है, तब उन लोगों की खिदमत कर रही हूँ। इसके साथ साथ चाहे
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी मज़हब से क्यों ना ताल्लुक हो, उन तमाम लोगों के लिए जब भी ज़रूरत पड़ती हूँ मैं 100% मेरा अपना देने की कोशिश करती हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे खिदमत खल्क के लिए जो पैदा किया है और मुझे जो सेहत से नवाजा है, मैं शुक्रगुजार हूँ मौला का कि मैं ये खिदमत 35 साल से अंजाम दे रही हूँ और इसके अलावा देती रहूँगी। अगर मेरी सेहत बरकरार हो तो नेक्स्ट मैं तादम तक कौम की खिदमत करूँगी। अल्लाह हाफिज़। आसिफ स्वीट्स एंड बेकर्स, आसिफ नगर मेन रोड और ब्रांच ब्लू मून स्वीट्स एंड बेकर्स टप्पा चबूतरा। हर साल की तरह इस साल भी रमज़ान के मौके पर रोज़ेदारों के लिए पेश कर रहे हैं 4 गोश्ता और असली घी में तैयार करदा 100% हाइजीन। आसिफ स्वीट्स एंड बेकर्स की खसूसियत अंजीर खलाखन, अजमेरी खलाखन, मीठे की रोटी, मोहर्रम में दम के रोट, जुमा के दिन कद्दू का हलवा और दीगर लजीज मिठाइयाँ भी दस्तियाब है। ये सब चीज़ें आप घर बैठे स्विगी और जोमैटो के जरिए भी मंगवा सकते हैं। आसिफ स्वीट्स एंड बेकर्स, रूबरू मस्जिद गंजे शहीदा, झिर्रा, आसिफ नगर मेन रोड, हैदराबाद।